इस मॉड्यूल में हम फ़ाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास हैक्जोपोडा के जनरल फीचर्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे हेक्सोपोडा हेक्सा का मतलब है सिक्स पोडा का मतलब है फीट यानी जिसके अंदर सिक्स फीट मौजूद होंगे या अपैंडेजि मौजूद होंगे इस हेक्सापोडा के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप एनिमल्स का कंसीडर किया जाता है इसमें ऑर्डर लेवल तक क्लासिफिकेशन है जो कि वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन के डिफरेंट जोलॉजिस्ट ने या डिफरेंट रिसर्चर्स ने उसको किस तरह से साइंटिफिकली कंसिडर की इसके अलावा क्योंकि इसकी डाइवर्सिटी के अलावा कॉमनली इसके अंदर मौजूद हैं इंसेक्ट्स जिनको ईजीली हम रिकोगनाइज़ अपनी डेली लाइफ में करते हैं ज़्यादातर इंसेक्ट्स के फीचर्स में अगर हम देखें तो विंग्स नज़र आते हैं एंटीना नज़र आता है वर्चुअली जितने भी अडल्ट हैं दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन टू देयर बॉडीज बॉडी जो है इंसेक्ट की दैट इज डिवाइडेड इन टू हेड थॉरिक्स एंड एबडाम हेड जो है दैट बियर्स आ सिंगल पेयर ऑफ एंटीने माउथ पार्ट्स कंपाउंड आइज एंड जीरो इसके अलावा टू भी ओसिलस ओसीलाई हो सकते हैं थ्री भी ओसिलई हो सकते हैं थॉरिक्स जो है इसकी बॉडी में थ्री सेगमेंट्स हैं दे फॉर्म पोस्टीरियर एंड एंटीरियर प्रोथॉरिक्स मिजोथॉरिक्स मेटाथॉरिक दिस इज द टिपिकल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए जर्नलाइज इंसेक्ट की बॉडी आप देखें हेड थॉरिक्स एबडोमन हेड के ऊपर मौजूद हैं कंपाउंड आई एंटीने ऑसिलस Mouth parts, ye, labrum, mandible, maxilla, labium. These are the mouth parts. This is the legs which are present on the thorax. This will be, the leg which is present on the prothorax is said to be the prothoracic leg. The leg which is present on the mesothorax is said to be the mesothoracic legs, And the leg which is present on the metathorax is considered to be the मेटाथोरेसिक लेग्स तो इसके अंदर थ्री पेयरस ऑफ लेग्स हैं जो कि थॉरिक्स पे मौजूद हैं स्पायरेकल दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट विल बी एडिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन अब स्पाइरेकल्स जो हैं इनकी ओपनिंग्स हैं आउटसाइड द बॉडी ये ओपन होंगी क्लोज होंगी एयर एंटर होगी एयर के एंटर होने से इसके अंदर इन्हीशन और एक्सलेशन का प्रोसेस होगा ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड बाय द बॉडी एंड बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल बी मूव्ड आउट और जो प्रोसेस फैसिलिटेट करेगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन फिर थॉरेक्स के ऊपर आप देखें विंग्स जो हैं दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स विंग्स थॉरिक्स पे मौजूद हैं फोर विंग और हाइंड विंग विंग्स के अंदर ये इसकी वेन्स हैं थॉरिक्स के बाद जो पोर्शन है दैट इज एबडोम एबडोमन पे हैं सर्कस और जेनिटल ओपनिंग तो बॉडी जो है टिपिकल इंसेक्ट बॉडी या टिपिकल इंसेक्ट का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है दैट इज क्वाइट ऑबियस फ्रॉम दिस डायग्राम हेड थॉरिक्स एंड एबडोमन फिर इसमें लेग्स आपको बताया लेग्स हैं लेग्स अटैच होती हैं थॉरेसिक पे विंग्स हैं फिर इसके अंदर डोढ़ सौ मार्जिन है मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स पे विंग्स के अंदर थी कंड वेंस मौजूद हैं थॉरिक्स पे स्पायरिकल स्पायरिकल्स जो है नॉर्मली दे आर इन द फॉर्म ऑफ टू पेयर्स ट्रेकिया मौजूद होंगे ट्रेकियल सिस्टम होगा एलेवन इंसेक्ट्स के अंदर जो एबडामिनल सेगमेंट्स हैं इनका नंबर टेन से लेके एवन तक रेंज करता है एक्सोस्केलेटन है हर एब्डोमिनल सेगमेंट जो है उसके अंदर सिंगल पेयर ऑफ पैरिकल्स मौजूद होगा इसके अलावा जेनिटल स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर यूज ड्यूरिंग कपुलेशन एग डेपोजिशन एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हम कहेंगे सिरकाय गिल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ सर्टन इमेच्योर एक इंसेक्ट So, this is the all generalized structure and systems and functions that we have discussed in this slide.